देखिए मैं कहीं प्रोग्राम में गई थी, कोई सत्संग था, कोई संत सम्मेलन था, तो मैंने क्या देखा वहां, एक बहुत बड़ा जज अपने परिवार के साथ वहां आया था। उसका बेटा भी बड़ी पोस्ट पे था और उसकी बहू भी बड़ी पोस्ट पे थी, उसकी बेटी भी कोई बड़ी अधिकारी था और उसका दामाद भी, दो ही बच्चे थे उसके। सत्संग हुआ, संतों ने प्रवचन किए, भोजन प्रसाद हुआ, सब जाने लगे, तो उस जज साहब ने क्या किया, एक पॉलिथीन ली और वहां की मिट्टी, उस आश्रम की मिट्टी को उस पॉलिथीन में डालने लगा। और डालने से पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसने अपने बेटे को दी, बहू को दी, अपनी पत्नी को दी, अपने बेटे और दामाद को दी, सबको दी, और उन्होंने सबने उस मिट्टी को माथे से लगाकर खा लिया। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? जब ये शब्द मेरे द्वारा पूछे गए तो उसका इतना भाव विभोर वो हो गया और भाव विभोर होकर उसकी आंखों से आंसू, देखा तू मिट्टी को क्यों लेके जा रहा है, प्रसाद ले जाए यहां से, लड्डू जलेबी बने हैं आश्रम में, प्रसाद बना है, तू इस मिट्टी का क्या करेगा, तू और तेरे साथ तेरा परिवार भी इस मिट्टी को खा रहा है। तो उसकी आंखों में अश्रु धारा थी और रोते रोते उसने यही कहा कि साध्वी जी मुझे जो भी मिला है ना इस मिट्टी से मिला है, बोलना पड़ेगा, मुझे जो भी मिला है इस मिट्टी से मिला है। जब जब भी आसन समागम कोई कार्यक्रम होता है तो मैं परिवार के साथ आता हूँ, इस मिट्टी को माथे से लगाकर इसको ग्रहण करता हूँ, इस मिट्टी ने मुझे और मेरे परिवार को डॉक्टरों से बचा रखा है, बीमारियों से बचा रखा है, कोर्ट कचहरी से बचा रखा है, मेरे बच्चों को कुसंगति से बचा रखा है, इस मिट्टी की महिमा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बोलना पड़ेगा। और जाते जाते ये मिट्टी मैं अपने साथ ले जाता हूँ, सुबह उठकर मैं और मेरा परिवार इस मिट्टी को माथे पर भी लगाते हैं और खाते भी हैं, मुझे इस मिट्टी ने बचा रखा है, बोलना पड़ेगा। उस मिट्टी से उसको क्या मिला, ये उसका भाव था, लेकिन उसके भाव को देखकर मैं भी भाव भी बोर होगी कि आज आज कलयुग में भी इतने पढ़े लिखे भी ऐसे भक्त हैं। तो आपके पास तो साक्षात गौ माता है, इसके दर्शन करने से पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, ये जाग खड़ी होती है। उस देखिए कहते हैं ना, आजकल पंडित कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, कुछ जवान नौजवान कहते हैं, साध्वी जी बस एक दो नंबर से ही रह जाता हूँ, व्यापार करता हूँ, करते करते बस पास जाता हूँ तो ठप हो जाता है। आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपका जीवन, अगर उस भक्त के जीवन को वो माटी चला सकती है तो आपके जीवन को ये गौ माता क्यों नहीं चला सकती, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा।